हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में डिफरेंस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑर्डनरी बिल और मनी बिल के बीच क्या डिफरेंस है इसको समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्लेलिस्ट में या पॉलिटिकल साइंस का भी लेक्चर सीरीज बन रहा है साथ साथ में, उनकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, वो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे, इंडियन पॉलिटी के बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बच्चे, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मेरे दोस्तों हमें हमारे टेलीग्राम पेज लॉ विद ट्विंस में फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि इसमें हम जुड़ी जुड़ी नोटिफिकेशन डालते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं, सर आपने कभी ये बात बताई हमें पता नहीं चला, तो हम यहाँ पे मैसेज डालते हैं। लो विद ट्विंस टेलीग्राम पेज पे जाकर ऊपर सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लो। साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 पर आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे हम आपको देंगे। नोट्स पेड होंगे, पर हाँ आपको पेमेंट करके कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों अब अगर हम मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे फाइनेंशियल बिल एक टाइप का अलग होता है और फाइनेंशियल बिल दो टाइप के होते हैं बेसिकली। टाइप वन, जिसकी बात आर्टिकल 117 और सब सेक्शन एक में, सब क्लोज एक में करी गई है, इसमें सब क्लोज थ्री में करी गई है, 117(1), 117(3). तो दो प्रकार के फाइनेंशियल बिल होते हैं, हम तीनों में अच्छे से डिफरेंस समझेंगे क्या डिफरेंस है। बच्चों सबसे पहले तो आप मीनिंग के बेस पर डिफरेंस निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर आप फर्स्टली मीनिंग के बेस पर डिफरेंस निकाल सकते हो। मनी बिल एक ऐसा बिल है जो फाइनेंशियल मैटर्स को इंक्लूड करता है। मनी बिल इज दैट बिल विच इंक्लूड्स द मैटर्स गिवन अंडर आर्टिकल 110 में जो मैटर दिए गए हैं, टैक्स लगाना, कम करना, ख़त्म करना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा डालना, वहाँ से पैसा निकालना, जो ऐसे ऐसे बिल होते हैं वो मनी बिल में आते हैं। फाइनेंशियल बिल बेसिकली एक ऐसे बिल होते हैं जिसमें मनी बिल जैसे मैटर तो दिए होते हैं, पर साथ ही साथ उस बिल में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन भी दिए होते हैं, अर्थात मनी बिल के साथ साथ बाकी जो मैटर्स होते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन वो भी साथ में होते हैं, ऐसे बिल को फाइनेंशियल बिल बोला जाता है। तो बच्चों आप ध्यान रखें, पहले आपने मीनिंग के बेस पर डिफरेंस कर लेना है। मनी बिल इज़ दैट बिल विच इंक्लूड्स द मैटर्स गिवन अंडर आर्टिकल 110 क्लोज ए टू एफ, एंड फाइनेंशियल बिल इज दैट बिल विच इंक्लूड्स द फाइनेंशियल मैटर एंड आल्सो सम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस। इसके बाद अब बात की जाती है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ होगा ये बिल। तो मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया ये बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले। राज्यसभा में ये बिल कभी भी शुरू नहीं होता, इंट्रोड्यूस नहीं होता, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल। पर अगर फाइनेंशियल बिल की बात की जाती है तो जो कैटेगरी वन है, कैटेगरी वन का बिल तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, पर कैटेगरी टू का जो बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी यूज़ हो सकता है। आप ध्यान रखें कैटेगरी वन में जो बिल आएंगे उसमें मनी बिल जैसे मैटर होंगे प्लस ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन साथ में होंगे। जो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू की बात की गई है इसमें बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड से डील करने वाले बिल होंगे, कंसोलिडेटेड फंड से डील करने वाले बिल, जो बिल मनी बिल को बिल में इंक्लूड नहीं हुए, मतलब फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू में कंसोलिडेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग बिल होंगे। मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ जो आपने याद रखनी है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू के लिए, कि इट इज़ डेल्ट विद अंडर आर्टिकल 117 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्टेन एंड कंटेन प्रोविजंस इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अर्थात फाइनेंशियल बिल जो टू होते हैं वो कॉन्सोलिडेटेड फंड से कैसे पैसा निकालना है, कैसे एक्सपेंडिचर करना है, उसी से लिंक करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो फाइनेंशियल बिल वन है वो तो मनी बिल के जितने भी मैटर्स हैं ए से लेकर एफ तक वो सभी से डील करेंगे, प्लस ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन साथ में ऐड हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल बिल टू में केवल जो उसमें एक
कंसोलिडेटेड मैटर है वही डील करेगा, जो इन चीज़ों में जो इन दोनों में नहीं आएगा मैटर बिल में वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेकर डिफरेंस है, मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन को लोकसभा में ही, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू को राज्यसभा लोकसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है मनी बिल को पेश करने के लिए? तो ऑब्वियसली बात हमें पता है, यस, जो प्रेसिडेंट है उनकी पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, उसी के बाद मनी बिल आप लोकसभा में पेश कर सकते हो। पर फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन में भी आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, यस जरूरी है। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू यू नीड नॉट टू टेक द एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, यू कैन स्टार्ट द, ये लाइक ऑर्डनरी बिल ही तो है, ऑर्डनरी बिल में जो पॉइंट्स है सेम सेम पॉइंट्स आएंगे, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। स्पीकर्स एंडोर्समेंट, जब भी कोई बिल एक मनी बिल है या नहीं है तो उसको एंडोर्स कौन करता है बिल को, मनी बिल है ये कौन बोलते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा स्पीकर लिख कर देता है कि हाँ ये बिल मनी बिल है। तो जब मनी बिल की बात आती है तो स्पीकर की एंडोर्समेंट होनी चाहिए बिल के ऊपर कि हाँ जी ये बिल मनी बिल है। लेकिन फाइनेंशियल बिल एक केस में स्पीकर की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल बिल टू के केस में स्पीकर की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। स्पीकर ना भी बोले ये बिल फाइनेंशियल बिल है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मनी बिल के केस में स्पीकर मनी बिल में इंट्रोड्यूस करके देता है कि ये बिल मनी बिल है। उसके बाद मनी बिल की बात की जाए तो इसमें हम ज्वाइंट सिटिंग कभी नहीं बुला सकते, मैंने आपको पहले भी बताया था। मनी बिल के केस में अगर लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा में बिल गया, राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज तक बिल को रोक सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो कभी राज्यसभा लोकसभा में डेड लॉक क्रिएट होगा ही नहीं, जब डेड लॉक ही क्रिएट नहीं होगा तो ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाएगी? ज्वाइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है जब राज्यसभा लोकसभा में डेड लॉक क्रिएट हो जाए, राज्यसभा बिल पास नहीं कर रही और 6 महीने बीत जाए। लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता, मनी बिल के केस में 14 डेज राज्यसभा ने बिल को अपने पास रखा, अब लोकसभा मान लेगी बिल पास हो गया तो राज्यसभा और लोकसभा में डेड लॉक क्रिएट होने की पोजीशन नहीं आती। तो मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। वहीं पे फाइनेंशियल बिल ए की बात की जाए तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, बिल्कुल बुलाई जा सकती है, ये सेम एज द ऑर्डनरी केस में हम बुला सकते हैं, जैसे ऑर्डनरी बिल में। फाइनेंशियल बिल मैटर टू में जो हम ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपने ध्यान रखने हैं, इसके अलावा हम और पॉइंट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे दोस्तों मनी बिल की बात की जाए तो मनी बिल केवल सेक्शन 110 ए से लेकर जो एफ तक के प्रोविजंस है उससे ही डील करता है, ओनली डील्स विद द प्रोविजंस मेंशन्ड आर्टिकल 110A to 110F। लेकिन फाइनेंशियल बिल की बात कैटेगरी वन की बात की जाए तो ये इन मैटर से डील करता ही करता है, इन मैटर के अलावा प्लस साथ में इसमें कौन से मैटर और आ जाते हैं, जनरल लेजिस्लेशन, मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, जो ऑर्डनरी बिल के मैटर्स होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, ये प्लस ऑर्डनरी बिल के मैटर्स, तो वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन होता है। और कैटेगरी टू में मैंने आपको पहले ही बताया एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो मैटर 110 में नहीं आए एक्सपेंडिचर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो मैटर फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू में चले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।